एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल दिवजीत व्लॉग। सो आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ हम लोग शिफ्टिंग करने वाले हैं, नवी बॉम्बे से बॉम्बे जाने वाले हैं, चैनपुर साइड पे। सो उससे पहले सोचा कि फ्रेंड्स वगैरह से मिल लिया जाए, तो आज इनको भी इनके फ्रेंड्स से मिला दिया जाए, मैं भी अपनी फ्रेंड से मिल लूँ। तो मैं आपको लेके चलती हूँ अपने साथ। और ये देखो, दोनों बेबी शोर मचा रहे हैं यहाँ पे। दोनों बेबीज का लुक, एक ने पिंक फ्रॉक, एक ने पर्पल फ्रॉक। वाओ, हाय, से हाय टू एवरीवन। हम कहाँ जा रहे हैं? वाओ, चलो चलते हैं। तो यहाँ पे स्मिता ने बहुत अच्छा सजा रखा है। हेलो, हाय बेबीज, हाय रियांश। सो हम आए हैं स्मिता के घर। स्मिता ने बहुत प्यारा सजाया हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे क्या है रियांश, आज अन्नप्रसाशन है बेबी का, उसको हम कुछ कुछ खिलाएंगे। महाराष्ट्र में एक कल्चर रहता है अन्नप्रसाशन का, बच्चे को फर्स्ट निवाला खिलाया जाता है और ये सारी डेकोरेशन होती है। सो स्वीट, सो हेलो रौनक, आप तो आज पूरे महाराष्ट्र ड्रेस में हो। हाय, बैठे हो, खड़े हो जो फिर। हेलो रौनक। ये क्या खेल रहे हो आप? मस्कट करने रहे हम। सो यहाँ पे बनी है पूड़ियाँ। क्या क्या बनाया तूने? पूड़ियाँ, छोले और राइस, गुलाब जामुन। छोले, राइस, गुलाब जामुन। और ये आंटी ने बनाया है। सब आंटी ने बनाया। क्या कर रही है? अच्छा, खाना। तू जितना मर्जी गजरा लगा ले, साड़ी पहन ले, खा। यहाँ पे सब खिला रहे हैं। पहले स्मिता के पेरेंट्स, अंकल आंटी ने बेबी को खिलाया, उसका नाम है रौनक। रौनक के साथ उसकी मतलब फुल शांत, अच्छा बच्चा, हंसता खेलता बच्चा है ये, और बहुत मस्त है। और आराम से उसको खिलाई जा रही थी दादी की हलवा, मतलब सूजी, जैसे हम सूजी का बनाते हैं, ये रागी का बनाया हुआ है, नाचनी का। तो वो लोग खिला रहे हैं, अब एक एक करके सब खिलाएंगे ऐसे इसको।
देख रहे कौन कौन खिला रहा है, फेस देख रहे हैं सबको देख रहा है कौन खिला रहा है, पहचानता है फेस टमी फुल हो गया ना थोड़ा सा उसका, इसलिए वो शांत हो गया। देख रहे सब कौन खिला रहे हैं, सबसे पहले आप जाते पहले ही खिला देंगे। यहाँ पे उसका बड़ा भाई भी आ गया खिलाने के लिए। अन्नप्रशासन का मतलब ही यही होता है कि बच्चे को पहला निवाला खिलाया जाता है, तो यहाँ पे बच्चे को खिलाया जा रहा था। और रेयान उसका बिग ब्रदर, इतना अच्छा लग रहा था ना, बच्चों को भी क्रेज था, सब कुछ ऐसे इतना एंजॉयबल, इतना स्मूथिंग लग रहा था ये। और यहाँ पे दीवांशी भी खिला रही है, कैसे देख रहा है दीवांशी को, आंटी तो अभी अन्नप्रशासन करवा रही है। हेलो राना, सारे रिचुअल्स हो गए थे, उसके बाद खाना लग गया था। और नहीं नहीं नहीं, दाल चिड़का पूरी छोले वगैरह थे, और ये लास्ट रिचुअल बचा था, बच्चे को कच्चे दूध में नहलाया जाता है। तो यहाँ पे ना एसी से बहुत ठंडा हो गया था पानी, तो वी वर लाइक कि बस बूंद बूंद डाल दो, छड़ा भी बर्फ बहुत होता है। अब आई हमारी फोटो सेशन की बारी, खाना वगैरह हो गया, बच्चों ने खेल लिया, फुल मस्ती करी, अब आई हमारी फोटो सेशन की बारी। और ये स्मिता के फ्रेंड्स थे, जो मतलब आप जाओ तो बहुत सारी गेट टुगेदर तो हो ही जाती है और फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं साथ साथ, और आपका एक सर्कल अच्छा बन जाता है। क्या कर रहे हो? Oh my God, ये क्या है? दीदी ऐसा कर रही थी, दोनों एक साथ में आएगा।
सारा ग्रुप था जो सब मिले थे हम लोग और फुल मस्ती करी हम लोगों ने वहाँ पे। ये देखो यहाँ बच्चे लगे हुए हैं और हम लोग कह रहे चलो फोटो सेशन करते हैं बच्चों का भी। बच्चे इधर उधर चले गए थे तो बड़ों का हो गया था, बच्चों का बचा था। ऐसे होता है जानवी इधर देखो। तो हम लोग घर आ गए थे और मीनवाइल मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं वो भी मैं दिखाती हूँ। उनकी मीटिंग थी ब्लू स्टार की, तो वो लोग JW मैरिट गए थे मीटिंग के लिए, तो वो भी दिखाती हूँ। तो मैंने उनको कहा था छोटी छोटी क्लिप्स लेना ज़रूर सबके लिए, क्योंकि मैं वहाँ जा रही हूँ और आप वहाँ जा रहे हो, तो दोनों अलग अलग जा रहे हैं, तो सबको दिखाते हैं कि क्या क्या कर रहे हैं हम आज के दिन। सो उन्होंने भी लिए हैं कुछ क्लिप्स, वो दिखाते हैं आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दिवजीत ब्लॉग्स। आई नो बहुत लोग देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं करें, प्लीज़ सपोर्ट अस एंड सब्सक्राइब इट। बाय।